आज हम द्वितीय भाव के बारे में जानेंगे। द्वितीय भाव में कौन सी राशि है और कौन से ग्रह हैं और उनका फल क्या होता है। ये कुंडली का द्वितीय भाव है। ये प्रथम भाव और ये द्वितीय भाव। यह राशियाँ कोई सी भी हो सकती है। तो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मेष राशि होगी द्वितीय भाव में। यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक संख्या हो सकती है कोई सी भी। तो ये द्वितीय भाव कहलाता है। ये प्रथम भाव और ये द्वितीय भाव। तो द्वितीय भाव के बारे में बताया गया है। द्वितीय भाव यानी कि दूसरा भाव। कुंडली का द्वितीय भाव भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस भाव से संचित द्रव्य, पैतृक धन, कुटुंब, मित्र, भाषण कला, सुख भोग, संचित पूंजी, मृत्यु के कारण, मृत्यु का स्थान आदि का ज्ञान होता है। आर्थिक मामलों का संबंध विशेषतः इसी भाव से है। इस भाव का अध्ययन करने से पूर्व निम्न तथ्यों का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। दूसरा भाव और उसकी राशि, दूसरे भाव का स्वामी और उसकी स्थिति, दूसरे भाव में स्थित ग्रह, दूसरे भावों पर ग्रहों की दृष्टि, कारक अकारक और तटस्थ ग्रह, दूसरे भाव से संबंधित विशेष योग। दूसरे भाव में जो राशि है उनका ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। नीचे द्वादश राशियों में से प्रत्येक राशि के संबंध में फलाफल विवेचन किया जा रहा है। यदि दूसरे भाव में मेष राशि हो तो, यानी कि द्वितीय भाव में मेष राशि हो तो उसका फल है। आर्थिक मामलों के संबंध में यह राशि बड़ी अनिश्चित है। जातक किसी समय अच्छा अर्थ प्राप्त कर लेता है पर पुनः उड़ाते भी देर नहीं लगाता है। विवाह के पश्चात भाग्योदय होता है। जातक का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह जरूरत से ज्यादा प्रदर्शन करता है। शत्रुओं के मामले में असावधान रहने से भी हानि की संभावना रहती है। यदि द्वितीय भाव में वृष राशि हो तो, जिस जातक के दूसरे भाव में वृष राशि होती है वे व्यक्ति अर्थ संचय में प्रवीण होते हैं परंतु हाथ में धन टिकने के आसार कम रहते हैं। वास्तविकताओं को नजरअंदाज कर देने से भी कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। व्यापार में काफी उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। ऐसा जातक साझेदारी के कार्यों में लाभ नहीं उठा पाता। जीवन के 18, 22, 24, 33 और 35वें वर्ष आर्थिक दृष्टि से सफल कही जा सकते हैं। यदि द्वितीय भाव में मिथुन राशि हो तो उसका फल, जिस जातक के दूसरे भाव में मिथुन राशि हो वह आर्थिक मामलों में कमजोर रहता है। जीवन में कई अवसर ऐसे भी आते हैं जब किसी स्त्री का इनके जीवन में प्रवेश होता है और वह आर्थिक संबंधों को डगमगा देती है। भावना प्रधान होने के कारण जातक अर्थ संबंधी विषय को गंभीरता से नहीं लेता। फलस्वरूप कई बार हानियां उठानी पड़ती है। राजकीय नौकरी की अपेक्षा ऐसे जातकों को व्यापार, व्यक्तिगत या अर्थशास्त्र की सेवाएं भी फलप्रद रहती है। बीमा, लघु उद्योग, यूनिवर्सिटी, विद्युत उद्योग आदि क्षेत्रों में लाभ रहता है। यदि द्वितीय भाव में कर्क राशि हो तो उसका फल, आर्थिक मामलों में ये जातक कंजूस होते हैं। यद्यपि ये जितना परिश्रम करते हैं उतना उन्हें लाभ नहीं मिलता, फिर भी ये जो कुछ अर्जित करते हैं उसे भली प्रकार संचित करके रखते हैं। आकस्मिक खर्चों से जातक परेशान रहता है। स्टैंडर्ड बनाए रखने में भी कई बार इन्हीं बाधाओं का सामना करना पड़ता है। 20, 26, 27, 33, 34, 36, 44, 45, 53 और 54वें वर्ष विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। सिंह यदि द्वितीय भाव में सिंह राशि हो तो उसका फल, इसी जातकों की बाल्य अवस्था बड़े आराम से व्यतीत होती है और आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। परंतु जीवन के मध्य काल में या तो ये अपना संचित द्रव्य उड़ा देते हैं या अनिश्चित कार्य व्यापारों में लगाकर गंवा बैठते हैं। भावुकता के कारण भी इन्हें हानि उठानी पड़ती है। भाग्य इनके साथ होता है। पास में पैसा न होने पर भी जरूरत पड़ने पर उनके हाथ में पैसा आ जाता है और कार्य निपट जाता है। राजनीतिक कार्यों या राजकीय नौकरी से धन संचय होने के ज्यादा अवसर रहते हैं। कन्या द्वितीय भाव में कन्या राशि रखने वाले जातक आर्थिक दृष्टि से कम संपन्न होते हैं। ऐसे जातक परिश्रम से धन अर्जन करते हैं। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में इन्हें आर्थिक अभाव देखना पड़ता है। स्वभाव गर्म होने से तथा तुरंत निर्णय न लेने की अवस्था में कई बार ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनसे इन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। व्यापार से ये जातक लाभ उठा सकते हैं। विशेष रूप से रेडीमेड कपड़ों की दुकान या फैंसी स्टोर से लाभ रहता है। यदि द्वितीय भाव में तुला राशि हो तो उसका फल, तुला जिसके दूसरे भाव में तुला राशि हो वे शान शौकत में अधिक व्यय करने वाले होते हैं। व्यापारिक कार्यों में भी ये सफल हो सकते हैं। ऐसे जातक यदि नौकरी भी करते हो तो उन्हें चाहिए कि वे व्यापारिक दृष्टिकोण से भी विचार करें।
ये योजनाएं बना सकते हैं, लंबे लंबे मंसूबे बांध सकते हैं, पर उन्हें पूरा करने की सामर्थ्य इनमें नहीं होती। भाग्य इनका साथ देता है तथा अनुचित तरीके से भी धनागम संभव है, परंतु इनके हाथों में पैसा टिकता नहीं। मौज शौक सुख सुविधा तथा सजावट पर हैसियत से भी ज्यादा खर्च कर डालते हैं। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या इसी प्रकार के उद्योग से इन्हें लाभ हो सकता है। वृश्चिक राशि, यदि दूसरे भाव में वृश्चिक राशि हो तो उसका फल, आर्थिक मामलों में ऐसे जातक डावाडोल रहते हैं, नौकरी की अपेक्षा व्यापार से ज्यादा धन कमा सकते हैं। इनकी प्रवृत्ति भी वणिक प्रधान ही होती है तथा जीवन में इन्हें मित्रों व संबंधियों से भी हानि उठानी पड़ती है। व्यर्थ की योजनाओं में धन लगाना इनके लिए हानिकारक ही होता है, लघु उद्योगों से ये लाभ उठा सकते हैं। यदि द्वितीय भाव में धनुराशि हो तो उसका फल, यदि दूसरे भाव में धनुराशि हो तो जातक निश्चय ही धन के मामले में लापरवाह होता है। साझेदारी या किसी के साथ व्यापार करना इनके लिए हानिकारक ही होता है, सहयोगी इसे धोखा ही देगा, लाभ नहीं दे सकता। जीवन में कई बार धोखा खाते भी हैं, इन्हें चाहिए कि ये किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करते समय सोच समझ कर करें। इस राशि वाले यदि नौकरी करते हैं तो उन्हें धन के प्रश्न को लेकर काफी उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे। 24, 27, 28, 32, 33, 34, 37, 42, 48, 52, 54, 55 और 58वां वर्ष श्रेष्ठ रहता है। मकर, दूसरे भाव में मकर राशि रखने वाले जातक सौभाग्यशाली होते हैं, ये लंबे चौड़े प्लान बनाते हैं और उनमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। नौकरी की अपेक्षा व्यापार या स्वतंत्र व्यवसाय इनके लिए विशेष हितकारी होता है। ऐसे जातकों को चाहिए वे प्लान मेकर या योजना आयोग अथवा किसी ऐसे विभाग में नौकरी करें जिसमें कल्पना एवं वास्तविकता का सुखद मिश्रण हो। खान व पत्थर का कार्य से भी ये लाभ उठा सकते हैं। कुंभ, यदि द्वितीय भाव में कुंभ राशि हो तो ये जातक आर्थिक दृष्टि संपन्न होते हैं। इन जातकों के आय के स्रोत भी एक से अधिक होते हैं। पत्रकारिता, लेखन, प्रकाशन, व्यापार और राजनीतिक कार्यों में भाग लेकर भी ये द्रव्य संचय कर सकते हैं। इन जातकों को भाइयों तथा संबंधियों से विशेष लाभ नहीं मिलता, विश्वास करना इनके लिए हानिकारक सिद्ध होता है। साझेदारी इनके लिए लाभप्रद होती है। जीवन के पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध आर्थिक दृष्टि से ज्यादा सफल होता है। मीन, दूसरे भाव में मीन राशि रखने वाले यदि अपनी भावनाओं तथा विचारों पर नियंत्रण रख सके तो निसंदेह सफल धनी हो सकते हैं। इस प्रकार का जातक डॉक्टरी, वैद्यक या दवाइयों का विक्रेता बनकर धनी हो सकता है। यदि ये व्यक्ति शेयर खरीदे या लघु उद्योगों में रुपया लगाए तो भी लाभ उठा सकते हैं। ऐसे जातक धन संग्रह करने में सिद्धस्थ होते हैं और एक से अधिक स्रोतों से अर्थ लाभ करते हैं। खर्च पर ये पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, परंतु धन के पीछे भूत की तरह लगे रहते हैं। इनके जीवन में शांति नहीं रहती, तुरंत निर्णय लेने में असफल रहते हैं, अतः कई बार हानि उठानी पड़ती है। 22, 24, 28, 32, 34, 37, 42, 48, 52, 54, 55 और 60वां साल महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ऊपर राशि से प्रभावित दूसरे भाव के लिए फलादेश दिया गया है। अब आगे के पृष्ठों में द्वितीय ग्रहों का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। दूसरे भाव में ग्रहों का फल सूर्य, द्वितीय भाव में यदि सूर्य हो तो जातक द्रव्य के संबंध में चिंतित रहता है और पिता द्वारा अर्जित धन उसे नहीं मिलता है। जीवन के पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध अधिक सफल माना जा सकता है। मध्यकाल में उसे रोगों का शिकार होना पड़ता है तथा ऑपरेशन जैसे कष्ट भी देखने पड़ते हैं। नौकरी की अपेक्षा ऐसे जातक उद्योग कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। यदि दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो उसका फल, चंद्र, जिस जातक के दूसरे भाव में चंद्र हो वह सुखी संपन्न और बृहद परिवार का स्वामी होता है। स्त्रियों के मामले में वह सौभाग्यशाली होता है और स्त्रियों के संपर्क से ही वह द्रव्य उपार्जन में सफलता भी प्राप्त करता है। चंद्र व्यक्ति को सफल पत्रकार अथवा लेखक भी बना देता है और पुस्तक व्यवसाय, प्रकाशन संस्था अथवा लेखन से भी उसका भाग्य अधिक कर सकता है। मंगल, दूसरे भाव में पढ़कर मंगल जातक को आर्थिक दृष्टि से कमजोर बना देता है। समय पर वह द्रव्य संचय करता है, परंतु धन उसके पास टिकता नहीं तथा जितनी शीघ्रता से वह धन इकट्ठा करता है उतनी ही शीघ्रता से वह समाप्त भी हो जाता है। विद्या के क्षेत्र में भी यह कमजोर रहता है तथा विद्या प्रगति के बीच में कई प्रकार की बाधाएं आती रहती है। बातचीत करने में पटु ऐसे जातक सफल सेल्समैन सिद्ध होते हैं। बुध,
जिसके दूसरे भाव में बुध पड़ा हो वह धार्मिक मामलों में कट्टर होते हुए भी अर्थ संचय में प्रवीण होता है। जीवन में उसे धन का अभाव नहीं रहता, इसे जातक भाषण देने में पटु होता है और लोगों को अपने पक्ष में करने की कला में प्रवीण होता है। बड़े बड़े उद्योगों में वह धन लगाने का इच्छुक होता है। बृहस्पति अर्थात गुरु, जिसके दूसरे भाव में गुरु हो वह धार्मिक नेता होता है। कवि, लेखक अथवा सफल धर्म उपदेशक भी वह हो सकता है। लेखन कार्य से वह द्रव्य उपार्जन करता है। ऐसा व्यक्ति सफल वैज्ञानिक भी होता है तथा उसकी खोज से विज्ञान को काफी बल मिलता है। मित्रों की संख्या अधिक होती है तथा उनसे सहायता मिलती है। ससुराल से भी उसे द्रव्य सहायता मिल सकती है अथवा पढ़ी लिखी पत्नी प्राप्त हो जो द्रव्य उपार्जन में सहायक हो। शुक्र, यदि शुक्र दूसरे भाव में हो तो उसका परिवार विस्तृत होता है। दूसरों से काम निकालने में वह चतुर होता है तथा जीवन में उसे द्रव्य का अभाव नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति डॉक्टर, सफल पत्रकार अथवा व्यवसायी होता है। दृढ़ व्यक्तित्व प्रधान होने के साथ साथ ऐसा जातक शत्रुओं को अपने वश में करने का प्रधान गुण रखता है। शनि, दूसरे भाव में शनि का होना शुभ सूचक नहीं है। यदि शनि स्वगृही न हो तो जातक को धनहीन, परेशान और दुखी भी कर देता है। जीवन में धन के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है एवं धन जुटाने के लिए जरूरत से ज्यादा परिश्रम भी करना पड़ता है। परंतु यदि शनि स्वगृही होकर द्वितीयस्थ हो तो जातक की बाल्य अवस्था तो दुख और अभाव में बीतती है, परंतु यौवन अवस्था और वृद्धावस्था शुभ सूचक होती है एवं आर्थिक अभाव नहीं रहते। राहु, यदि किसी जातक की कुंडली में दूसरे भाव में राहु हो तो जातक रोगी और चिड़चिड़े स्वभाव का होता है तथा पारिवारिक जीवन में उसे कई व्याघात सहन करने पड़ते हैं। यदि अन्य धन योग न हो तो आर्थिक दृष्टि से स्थिति डावाडोल ही रहती है। फिर भी ऐसा जातक बाल्य अवस्था में तो द्रव्य अभाव से पीड़ित रहता है, परंतु जो जो उम्र बढ़ती है उसके पास अर्थ संचय होता रहता है। केतु, यदि दूसरे भाव में केतु पड़ा हो तो जातक कटुबासी होता है, समय पड़ने पर धोखा भी दे देता है, परंतु ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चय होता है और एक बार जो मन में धार लेता है उसे पूरा ही करके छोड़ता है। अपने पिता की संपत्ति उसे प्राप्त नहीं होती, अपने बुजबल से ही वह धन कमाता है एवं संचय करता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों की अपेक्षा वह व्यक्ति आगे चलकर जीवन में धनी होता है। यदि सूर्य उच्च का होकर एकादश भाव में हो तो जातक लखपति बनता है।